पारो। बदनामी फैला दूं क्या? उस वक्त बदनाम हो जाते तो शायद हमारा नाम ही खो जाता। तुम खुश तो हो ना पारो। अरे वहां की तो बात ही कुछ और है देव। बड़ा मकान, बड़ी जमींदारी, बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी बातें। बड़ी बड़ी बातें बहुत बड़ी हो गई हो तुम पारो। पक्की ठकुराइन दिखती हो। बड़ा बड़ा सिंदूर, बड़ी बड़ी आंखें, उन बड़ी बड़ी आंखों में बड़े बड़े सपने, बड़ा बड़ा मकान, बड़ी जमींदारी और बड़े बड़े बाल बच्चे। पारो पारो पारो, ए मैं ये बड़ी बड़ी आंखें देख सकता हूं पर आंखों में बड़े बड़े आंसू नहीं देख सकता। अच्छा हुआ तुम आ गई। मेरे पास तुम्हारी कुछ चीजें जो मैं लौटाना चाहता हूं। फिर इस हवेली में आऊं ना? आओ पारो, आओ मेरे साथ आओ। इधर यहां खड़ी रहो, यहां देखो ये तुम्हारी, ये देखो पारो, अपने आप से मिलो। याद आया? अरे तुम, अरे ओ देवा, क्या हुआ पारो? देवा वो मेरी पायल गुम गई है, तुम्हें मिली क्या? ना मुझे तो नहीं मिली, मैंने ही छुपा दी थी। और तुम्हें भी मालूम था कि मैंने ही छुपाई है। और क्यों, सारा दिन हवेली में चम चम चम, देवा ये देवा वो देवा देवा, और ये वो कलसी, और ये देखो ये हमारे प्यार और जुदाई की निशानी। तुम तो गांव छोड़कर रिश्ते नाते तोड़कर चली गई, पर मैं अभी भी इनसे बंधा हुआ हूँ। ये और तुम्हारी यादें मेरे दामन से। ये क्या है? चंद सिक्के, 3 रुपए, जिससे सिर्फ यादें खरीदी जा सकती है। ये तो मेरे हैं, तुम चोर चोर। अब इन्हें वापस भी लूंगा तो मैं सूद के साथ वापस लूंगा। पर कितना सूद लोगे? वही 2 टका। 2 टके के हिसाब से हो गया महीने का 6 साल का 72 और 13 साल पर 9 रुपए 36 पैसे। हिसाब के बड़े पक्के हो गए हो तुम। वक्त ने सिखा दिया पारो। छोड़ो, कोई और बात करते हैं। ऐसा करते हैं, तुम पारो पंडित बन जाओ और देवदास के लिए रिश्ता ढूंढो। सुना है तुम्हारे मानिकपुर में लड़कियां बहुत अच्छी हैं। हाँ है तो, पर तुम्हें तो सुंदर चाहिए ना थी। अरे नहीं नहीं, सुंदर नहीं चाहिए, तुम्हारी जैसी चाहिए। और सुशील भी हो ना, थोड़ी सी तो दुष्ट होनी चाहिए जो बात बात पर मुझसे झगड़ा कर सके। कहा ना, तुम्हारी जैसी होनी चाहिए। ऐसी तो 1000 मिल सकती है। अरे बाबा 1000 नहीं चाहिए, तुम्हारी जैसी एक ही संभाल लूं काफी है। शराब पीना छोड़ दो देव। ना पारो। छोड़ दो देव ना। कोशिश तो करो ना। छोड़ सकते हो, वादा करो कि आज के बाद तुम शराब नहीं पियोगे। तुम वादा कर सकती हो कि तुम मुझे भुला दोगे? बहुत देर हो चुकी है पारो। देव, जब तक तुम वादा नहीं करते मैं यहां से नहीं जाऊंगी। मैं नहीं कर सकता वादा। कर सकते हो, इंसान अगर चाहे तो सब कुछ कर सकता है। क्या आज रात को मेरा हाथ थाम के तुम मेरे साथ भाग सकती हो? ये तुम क्या कह रहे हो? क्या मेरा हाथ थाम के मेरे साथ भाग सकती? देखो यहाँ तुम्हारी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। मेरा हाथ थाम सकती? बचपन से लेकर आज तक मेरा एक ही सपना रहा है कि तुम्हारे साथ रहूं, तुम्हारी सेवा करूं। वहाँ परवाह नहीं होता। मेरा वो सपना अधूरा है, उसे पूरा करने का एक मौका दो दे। मेरा हाथ थाम सकती? मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं तुम्हारी देखभाल कर सकती हूं। पारो मुझे तुम्हारी हालत देखी नहीं जाती, मेरा दम घुट रहा है देव, मेरा दम घुट रहा है। ठीक है, अगर मेरी सेवा करने से तुम्हारे दिल को खुशी मिलती है तो ठीक, मैं वादा करता हूं मरने से पहले एक बार तुम्हारी चौखट पर जरूर आऊंगा। मुझे छूकर कसम खाओ।
आपको मिलने के लिए देव बाबू के बारे में पूछ रही है। फिर तो जरूर पारो ही होगी। पारो, तुमने कैसे जाना कि हम पार्वती हैं? देव बाबू हमेशा कहते थे कि हमें ढूंढते हुए कोई औरत तुम्हारे चौखट पर आए तो बिना पूछे ही मान लेना कि वो पारो ही है। ये क्या कर रही हो? जिस औरत की जगह मैं कभी ना ले पाऊंगी उसके चरणों की धूल ले रही हूँ। सुना था हमने यहाँ की लड़कियां बहुत खूबसूरत होती है, पर तुम्हारे पास इस खूबसूरती के साथ साथ दिखावा भी है। काश आप समझ सकती, हमारे पास दिल भी है। चंद्रमुखी, चंद्रमुखी नाम है ना तुम्हारा? लोग तो देवदासी भी कहते हैं हमें। मशहूर हो? थी, अब नहीं। क्यों? मानो किसी फरिश्ते ने छू लिया। पैराग सीखना बाकी था सो सीख लिया। कितनी अजीब बात है, एक तवाइफ जोगन बन गई। हाँ, अजीब बात तो है, एक ठकुराइन तवाइफ की चौखट पर आ गई। देव कहाँ है? हम भी बेताब हैं उनकी आहट सुनने को। 6 महीने हो गए, इन आंखों ने उन्हें नहीं देखा। झूठ बोल रही हो तुम। इत्मीनान नहीं रख सकती तो तसल्ली कर लो। तुम क्या समझती हो, नहीं करेंगे? और कितने दिनों तक रखोगी तुम देव को यहाँ? जब तक रूप है, पैसा है, जवानी है, उसके बाद तुम्हारे इस जोगन के खेल का क्या होगा? बहुत कुछ लिया होगा तुमने देव से, हम और भी देंगे, पर इस नर्क में देव को तड़पते हुए नहीं देख पाएंगे। कितनी अजीब बात है, जिस पारो के देव बाबू दीवाने बने फिरते हैं, वही पारो आज उन्हें हमसे खरीदने आई है। क्या दे सकती हैं आप हमें? समाज में इज्जत दिला सकती हैं? देव बाबू की आंखों में हमारे लिए प्यार जगा सकती हैं? उन्हें एक बार छूने का अधिकार दिला सकती हैं? वो सपने, वो इंतजार, वो उम्मीदें जो देव बाबू ने हमारे दिल में जगाई हैं, क्या आप उन्हें पूरा कर सकती हैं? कर सकती हैं? नहीं, आप ये नहीं कर सकती पारो। और हम आपको देव बाबू नहीं दे सकते, पर हम उन्हें यहां से लेकर ही जाएंगे। आज हमें कोई नहीं रोक सकता, न तुम, न ये समाज, न देव खुद। एक बात मत भूलो, तवाइफों की तकदीर में शौहर नहीं होते। तवाइफों की तो तकदीर ही नहीं होती ठकुरायन। नजर से देखोगी तो कभी ना देख पाओगी, हमारी नजर से देखोगी तो चारों तरफ पाओगी उनको। देखो उस जलते हुए दिए की रोशनी में है देव बाबू, उस बिस्तर की सिलवटों में भी हैं, उस अधूरे पैमाने से आज भी छलक रही है देव बाबू की प्यास, आज भी महकता है कमरा उनकी खुशबू से। अगर ले जा सकती हो तो ले जाओ, ये रोशनी, ये सिलवटे, ये खुशबू सब। सब तुम्हारा, बाकी हम नहीं लौटा सकते आपके देवदास को। बहुत चाहती हो देव को? मैं तो सिर्फ उनकी पूजा करती हूं। तसल्ली हुई कि देव अब इस दुनिया में अकेले नहीं रहे। देखा, बातों बातों में जिस काम के लिए आई थी वो तो भूल ही गई। दुर्गा पूजा की इच्छा रखती हूँ, तुम्हारे आंगन की मिट्टी चाहती हूँ, इजाजत है? ये क्या? आई थी देव को लेने, पर आज तुम्हें सौंप कर जा रही हूँ। पूजा में तुम्हारा इंतजार रहेगा, जरूर आना।
वाह बड़ी माँ वाह, ये जश्न भी क्या खूब रंग लाया है। एक ठकुराइन और एक तवायफ, दोनों को साथ साथ लाया है। वाह, ये आप क्या कह रहे हो जमाई बाबू? जो आप देख रहे हो बड़ी माँ, और जो सारा गांव देख रहा है, ये औरत जिसे ठकुराइन अपनी सहेली कहती है एक बाजारू औरत है। क्यों सासू माँ? ये हम क्या सुन रहे हैं पार्वती? चुप क्यों हो तुम, जवाब दो। शर्मिंदा हैं, इतिहास गवाह है, ठाकुरों के संबंध हुआ करते थे तवायफों की गलियों से, लेकिन अब तो ठकुराइन भी रखने लगे कोठों की सहेलियां, ताज्जुब की बात है। बिना छुए नत उतारना इसे कहते हैं चंद्रमुखी। तमाशा शुरू तुमने किया था, खत्म हमने कर दिया। नहीं काली बाबू, अगर आप कर सकते तमाशा तो तवायफों की जरूरत ही क्या थी, उस बाजार में एक कोठा आपका भी होता। चंद्रमुखी, ये तो तुम भी जानते हो, सारा गांव भी जानता है कि तवायफ के कोठे पर रोशनी होती है तो ठाकुरों की वजह से, उनके घर में औलादें पैदा होती है तो भी तुम जैसे ठाकुरों की वजह से। आज चाहे तुम उन्हें बाजारू कहो, मगर उनकी रगों में खून तो ठाकुरों का ही है। साथ खड़े रहने से तवायफ ठकुराइन नहीं बन जाती। सच कहा आपने बड़ी माँ, बिल्कुल सच कहा। पर उसी तवायफ को सिर्फ एक औरत समझ कर एक भली ठकुराइन ने दो प्यार के शब्द कह दिए तो क्या बुरा किया? क्यों शर्मिंदा हो इस बात पर? शर्मिंदा तो इन्हें होना चाहिए, क्योंकि उसी बदनाम मोहल्ले में ये भी जाते हैं जहां इनके पुरखों ने अपनी अय्याशी की निशानियां छोड़ी हैं। कभी सोचा है काली बाबू कि उन्हीं कोठों पर किसी तवायफ से तुम्हारी बहन पैदा हुई है? बहन ही क्यों, तुम तो अपनी बेटी के कोठे पर भी तवायफ के आंगन की मिट्टी मिलाकर ही दुर्गा की मूर्ति उभर दी है, और ये मिट्टी इतनी कमजोर नहीं। तमाशा अब खत्म हुआ। चलते हैं ठकुराइन वापस उसी दुनिया में, शायद उस बदनाम मोहल्ले की रंगीन रोशनी में देव बाबू का चेहरा फिर से दिख जाए। चलते हैं। ये बाजी भी खत्म हो गई आपा, हम फिर जीत गए। दिखा तेरे साथ तो खेलना ही बेकार है, इतने दिनों में पूरा कंगाल कर दिया है हमें। और थोड़े दिन खेले ना तेरे साथ तो ये कोठा बिकवा कर रहेगा। तू क्या खिकी करिए निगौड़ी, चल यहाँ से, तेरी दवाई का वक्त हो गया है, भिजवाती हूँ। जरा पैमाने में भिजवाइएगा वरना असर नहीं करेगी। शराब के बारे में सोचना भी आपके लिए जहर है। पारो से मिली थी, कैसी लगी तुम्हें हमारी पारो? इश्क अगर इंसान का रूप ले ले तो उसका दिल और चेहरा बिल्कुल पारो जैसा होगा। कहते हैं इंसान को अपनी दो आंखों की तुलना नहीं करनी चाहिए, पर हमसे यह गुस्ताखी हो ही जाती है। एक पारो एक चंद्रमुखी, वो अभिमानी उद्दंड, तुम कितनी निर्मल कितनी सुशील। वो चंचल हिरनी सी, अल्लड़ नदी जैसी, कभी झूठी कभी तितली तो कभी चांद, और तुम कभी गजल तो कभी ठुमरी, कभी आंसू कभी शमा, सब उसी को चाहते हैं। और तुमसे कोई प्यार नहीं करता सिवाय मेरे। चंद्र ये क्या चंद्रमुखी, मैं तुम्हें सहनशीलता की मूर्ति कह रहा हूं, तुम तो मोम की गुड़िया निकली। देखो कैसे पिघल रही हो, अगर ये शमा यूं ही पिघलती रही तो यहां पर ये अंधेरा छा जाएगा। तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया चंद्रमुखी, बस एक उपकार और कर दो, मुझे यहां से जाने की इजाजत दे दो। तुम नहीं जानते तुम्हें क्या हुआ है। तुम जानती हो,
पर मैं भुगत रहा हूं। तो फिर खुद को खोने से पहले खुद से मिलना चाहता हूं। अगर साथ एक दासी चले तो मैं तुम्हारी आंखों में अपनी जिंदगी बुझते हुए नहीं देख सकता। Oh.